हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं एक छोटा सा टी शर्ट स्टाइल पैटर्न का एक ये स्वेटर लेके आई हूँ, जो बहुत ही इजी है बनाने में, गले से बना है और बहुत ही कम ऊन में ये बना है। आपके पास अगर बचे बचे ऊन है तो आप उसमें इसको बना सकती हैं, और अगर नहीं है तो ये जो बेस है, बेस मैंने व्हाइट कलर रखा है, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग ये जो बेबी वुल है, मैंने इसमें इसको बेबी वुल से बनाया है, तो ये मेरा लगभग 100 ग्राम लगा है। और 25-25 ग्राम का आप ये चारों कलर का गोला ले लेंगी तो आपका ये स्वेटर तैयार हो जाएगा। तो अगर ये मान के चले तो लगभग 200 ग्राम ऊन इसमें लगा है। आप चाहे मल्टी कलर में बनाइए, आप चाहे तो सिर्फ इसको दो कलर में भी बना सकती हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत ही आसानी से बना है। और कुछ दिन पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में ये पैटर्न आपको बिन के भी दिखाया है। सेम ऑर्डर में मैंने ये कलर इसमें भी लगाया है। तो ये डिजाइन मैंने अलग से आपको बता रखी है, मेरे चैनल पर है पहले से ही। और अब मैंने सेम डिजाइन का ये छोटा सा स्वेटर बनाया है। ये जो नाप है, ये 2 से 3 साल तक के बच्चे को बहुत अच्छे से आएगा। आप ये मान के चलिए 4 साल तक के बच्चे को बहुत अच्छे से आएगा। अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप बस इसमें लंबाई थोड़ी सी और बड़ी कर लीजिए, चौड़ाई इसकी काफी है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये मेरा पैटर्न है और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। लच्छी वाला अगर आप ऊन लेती हैं तो देखिए, ये सिर्फ एक लच्छी आप लेंगी तो उसमें ये बन जाएगा। आपके हाथ के हिसाब से है, अगर आपको लगता है कि आपका हाथ टाइट है तो आप थोड़ा ऊन एक्स्ट्रा लीजिएगा। आप चाहे तो 2 लच्छी ले लीजिए, व्हाइट बच जाता है तो और भी किसी काम में आ जाता है। और ये ऊन अगर आपके पास बचा बचा है तो आप बनाइए। अगर आपको लेना है तो आप 25-25 ग्राम वाला बॉल ले लेंगी चारों कलर, तो आपका ये स्वेटर आराम से बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है पांचों कलर जिससे मैं ये स्वेटर बनाने जा रही हूँ। बेस हमारा व्हाइट का है, बाकी मैंने ये चार कलर लिए हैं। आप अपने मनपसंद कोई भी कलर में इसको बना सकती हैं, जो भी आपके पास बचे बचे ऊन हो उसमें भी आप इसको बना सकती हैं। तो ये मेरा मेन जो ऊन है वो व्हाइट है, और ये सारे ऊन जो है वो बेबी वूल है। जो 4 प्लाई का ऊन आता है वो बेबी वूल है। आप जो भी आपको ऊन मिल जाए, आपको जो पसंद आए, आप वो कलर वो ऊन ले सकती हैं। मैं इसको इस बेस कलर में ये चार कलर लगा के बनाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये व्हाइट कलर से फंदा डालूंगी, और जो मैं सलाई यूज करूंगी, देखिए ये दोनों वायर वाली सलाई है। एक ये है, देखिए ये 9 नंबर और ये 10 नंबर। मैं बनाऊंगी 9 नंबर से, क्योंकि हाथ मेरा थोड़ा जो टाइट है, मैं हमेशा बताती हूँ हाथ मेरा हल्का सा टाइट है, तो मैं बेबी वूल भी 9 नंबर से ही बनाती हूँ, जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आपका हाथ लूज हो तो आप 10 नंबर की सिलाई से बनाइए, टाइट है तो 9 नंबर की सिलाई से आप बना सकती हैं। बहुत ज्यादा अगर टाइट चलता है तो आप 8 नंबर भी ले सकती हैं। और ये बेबी वूल है, आपका जो ऊन है, और आप अपने हाथ के हिसाब से फंदा डालिए और सलाई वैसा यूज करिए, टाइट और लूज के हिसाब से। अगर आपके पास ये सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप नॉर्मल जो सलाइयां आती हैं 9 नंबर की, 10 नंबर की, उससे भी आप बना सकती हैं। तो मैं बनाऊंगी 9 नंबर की सलाई से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये व्हाइट कलर से मैं फंदा डालूंगी, और जो टोटल फंदे इसमें पड़े हैं वो हैं 84 फंदे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक लूप बना लेती हूँ। लूप बनाने के बाद ही मैं फंदा डालना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से टोटल डालेंगे हम 84 फंदे। और ये फंदे बहुत टाइट मत डालिएगा, ये नेक का पार्ट है, बहुत टाइट नहीं रहना चाहिए। तो ये ऐसे देखिए, बहुत हल्का, ये एकदम टाइट नहीं है, देखिए अच्छे से मूव हो रहा है सिलाई पे। तो टोटल 84 यानी कि 84 फंदे मैं इसमें डालूंगी। तो सबसे पहले इस तरह से फंदे डाल लेते हैं, देखिए। ये देखिए, टोटल 84 फंदे यानी कि 84 फंदे मैंने डाल लिए हैं। और अब इसको हम बिनना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले
देखिए पहला फंदा हम बिन लेते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं, बाकी टाइम पे आप फंदे उतार सकती हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये सात, सात फंदे सीधे। अब हम बॉर्डर बनाएंगे, ये हमारी बटन पट्टी का पार्ट है, तो अब हम बॉर्डर बनाएंगे। तो अब देखिए एक दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, दो सीधा। लास्ट सात फंदे रहने तक इस तरह से हम बिन लेंगे और ये स्टार्टिंग में सात फंदा और लास्ट में सात फंदा हम सीधा सीधा बीनेंगे और बाकी ये देखिए ये बॉर्डर बनेगा। इस तरह से पूरा बिन लेंगे ये सिलाई। ये देखिए लास्ट में सात फंदा बचा, इसको हम सीधा बिन देंगे। एक सिलाई हमने बना लिया, अब ये हमारी सीधी साइड है। तो यहां से देखिए अब ये पहला फंदा उतार के दो तीन चार पांच छः और ये सात, ये सात फंदा दोनों तरफ से हम सीधा सीधा बीनेंगे और इसके बाद फिर ये बॉर्डर। अब ये राइट साइड है तो यहां पे ये देखिए ये इस तरह से सीधा आ जा रहा है ऐसे, फिर पूरा बिन ले जाएंगे इसी तरह से। इस तरह से बनाएंगे हम टोटल आठ सिलाई। ये दूसरी सिलाई है, ये देखिए इस तरह से बॉर्डर, दोनों किनारे पे ये सात सात फंदे सीधे सीधे, फिर दो सीधा दो उल्टा का हम बॉर्डर बनाएंगे और ये टोटल हम बनाएंगे आठ सिलाई। आठवीं सिलाई में लास्ट में हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। तो पहले ये आठ सिलाई यहाँ तक मैं बिन लेती हूँ, ये दूसरी सिलाई है, फिर हम इसमें बटन होल बनाएंगे। ये देखिए ये मेरी आठवीं सिलाई है, तो अब आठवीं सिलाई जब मैं यहाँ बनाऊंगी तो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे रॉन्ग साइड से ये देखिए जहां से हमने फंदा डाला था ये, यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। तो बटन होल बनाने के लिए देखिए एक फंदा हमने सीधा बिन लिया, ये जो सात फंदे हैं बॉर्डर वाले। अब दो फंदे का एक फंदा करेंगे एक साथ ऐसे, उन आगे करेंगे और बाकी के ये जो चार फंदे बचे हैं इनको हम ऐसे सीधा बिन देंगे। ये देखिए, और अब हम इसका डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन करने के लिए देखिए मैं आपको एक ग्राफ पे बता देती हूं। ये देखिए ये हमारा, ये मान लीजिए पूरा ये फंदा है जो हमने अभी बॉर्डर इसका बना लिया है, ये हमने बॉर्डर चारों तरफ ये बना लिया है। ये बॉर्डर मैंने बनाया है आठ सिलाई का, ठीक है। और ये जो टोटल फंदे हैं वो है मेरे 84। अब हम इसमें डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन करने के लिए देखिए ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारी बटन पट्टियां हैं वो हैं सात सात फंदों की। यहां पे ये हमारा ये क्रॉस हो रहा है,
जो हमारा फंदा बढ़ेगा यहाँ पे बढ़ेगा, इस कॉर्नर पे बढ़ेगा और इस कॉर्नर पे बढ़ेगा। तो ये हमारे जो पार्ट हैं देखिए इसमें हो जाते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, टोटल 5 पार्ट हो जाते हैं। तो 7 फंदे का हमारा ये बटन पट्टी हो गया। यहाँ पे हम ये रखेंगे 9 फंदे, ये हमारा रहेगा 1 फंदा, ये स्लीव है तो स्लीव में हमारे रहेंगे 10 फंदे, ये स्लीव है, ये एक फंदा जो हम बढ़ाएंगे, सेंटर का एक फंदा, इसके किनारे किनारे हम फंदे बढ़ाएंगे। बैक में मेरे हैं 28 स्टिच, फिर ये है एक, ये है 10, ये एक और ये है 9। तो ये जो टोटल फंदे हमारे मिलके होते हैं वो होते हैं 84। अब आप इसको अगर प्लस करिए, इसको अगर हम प्लस करें तो अगर आप यहां से काउंट करिए तो 7 + 9 + 1 + 10 + 1 + 28 + 1 + 28 + 1 + 10 + 1 + 9 और + 7। तो ये इक्वल टू हो जाएगा टोटल मेरे 84 स्टिच। ये हमारा ग्राफ का पैटर्न है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक बेसिक आपको समझा दिया कि किस तरह से हमारा ये बन रहा है, क्योंकि अब हमारा डिवीजन होगा इस पूरे जो पार्ट हमने बॉर्डर बिन लिए हैं। बॉर्डर बिनने के बाद फ्रंट स्लीव, बैक और ये स्लीव और दूसरा फ्रंट, सारे की डिवीजन हम करेंगे। तो अब ये 7 फंदे के बाद है हमारा ये 9 फंदा। तो इसमें हमारा जो ये चेंज होगा इसको हम किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे जो हमारा बनेगा, बाकी सारे तो हमारे बनते जाएंगे, लेकिन यहाँ का ये जो हमारा बनता है ये पूरा प्रॉपर नहीं बनेगा, ये हमारा आएगा ये बॉर्डर बनने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे आके, थोड़ा सा ये यहां से ये 7 फंदा छोड़ने के बाद ये एक तरह से हमारा ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, फिर ये प्रॉपर चारों तरफ ये सारा जाएगा। तो ये कैसे बनेगा ये मैं आपको अभी डिवाइड करके दिखा दूंगी, ये डिवाइड करके मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये कैसे ये आएगा, ये ही चीज समझने के लिए मैंने आपको ये पूरा प्रॉपर ग्राफ बता दिया है कि कैसे हमने फंदे लिए हैं, कितना हमने बॉर्डर बनाया है, कितना हमने बटन पट्टी रखा है फ्रंट का, ये जो हमने फंदे बढ़ा के एक एक फंदे के लिए रखे चार दोनों तरफ, स्लीव, बैक, स्लीव और ये फ्रंट और प्लस ये दोनों बटन पट्टी, एक में बटन होल बना है जो हमने बनाते हुए लास्ट करके यहाँ किया है और एक हमारा जिसमें हम बटन लगाएंगे। तो ये इतना मेजरमेंट मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने बटन होल कंप्लीट किया। अब रॉन्ग साइड से, क्योंकि हमने जहां से ये स्टार्ट किया फंदा डालने के बाद ये मेरी रॉन्ग साइड है, तो यहां से अब हम जो बिनना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये 7 फंदा बॉर्डर का, 4, 5 ये जो जाली है देखिए आ गया जिसमें हम बटन लगाएंगे, 6 और ये 7 ये हमने बिन लिए सीधे, ऊन आगे करेंगे। अभी तक हम यहाँ बॉर्डर बिन रहे थे लेकिन अब यहाँ का जो 9 फंदा है वो हम बिनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे, ये हो गया 9 और अब ये जो ये फंदा है इसको हम बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे ऊन लगा लीजिए कोई भी, देखिए इस तरह से यहाँ रखिए ऐसे बड़ा टुकड़ा ऊन ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे निकाल दीजिए इस तरह से, ताकि आपको याद रहे कि इस फंदे के अगल बगल हमको फंदा बढ़ाना है, या तो आप इसमें ऐसे पिन लगा दीजिए
जो भी आपको इजी लगे। इस फंदे में आप पिन लगा दीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये फंदा हमको, यहाँ पे फंदा हमको बढ़ाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने धागा लगा दिया है, आप पिन लगा लीजिए, ऊन लगा लीजिए, कोई भी अपोजिट कलर का या जैसे भी आपको याद रहे, या अगर आपको ऐसे ही याद रहता है तो बहुत ही अच्छा है। अब देखिए यहां हमने लगा लिया, ये नौ फंदे के बाद, दो चार छह आठ एक नौ के बाद ये दसवें फंदे में। अब इसके बाद फिर दस फंदा हम बीनेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये दस। अब यहां पे फिर ये दस फंदे हमने स्लीव वाले बीने, यहां हम फिर ऐसे फंदा लगा के ये वाला उल्टा बिन लेंगे और यहां पे इसको इस तरह से निकाल दीजिए। तो ये आपको याद रहेगा कि इस फंदे पे हमको, ये एक फंदा मैंने बिन लिया, इस फंदे पे जिसको हमने फंसाया है यहां पे हमको फंदा बढ़ाना है। वैसे आप फंदा काउंट भी कर सकती हैं बिनते समय। तो ये देखिए इस तरह से ये हो गया, एक फंदा मैंने बिन लिया है। अब ये बैक का है तो हमको टोटल 28 बिनना है, तो ये एक काउंट मैं करूंगी। यहां पे मैंने फंदा, ये ऊन फंसाया है, ये एक फंदा हो गया, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस। इसके बाद फिर मैं यहां पे फंसा लूंगी इस तरह से, मैंने छोटे छोटे ऊन कट कर लिए थे, अब इसको बिन के ये 29वां फंदा बिन के इसको ऐसे कर देंगे। फिर ये देखिए 10 फंदे बीनेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। एक बार फिर से ये चौथा, क्योंकि चार फंदे, चार जगह हमने फंदे बढ़ाने हैं, तो अब एक बार फिर से ये और इसको बिन के ये। अब देखिए यहां हमने फंसा लिया, अब इधर का नौ फंदा हमारा बचा है, पूरा नौ हम नहीं बीनेंगे। जो मैंने कहा थोड़ा सा शेप आएगा, ये जो मैंने कहा ये शेप आएगा, ये चीज यहां से थोड़ा सा जो प्रिंस कॉलर बोलिए या बैंड कॉलर बोलिए उस टाइप से ये जो थोड़ा सा आएगा, तो इसके लिए हमने इसके बाद सिर्फ तीन फंदे हम लेंगे। देखिए एक दो और तीन, बाकी के फंदे हम नहीं बीनेंगे। इसको पलट देंगे इस तरह से। अब यहां से हमने तीन फंदे जो हैं उसका थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब इस सलाई से हम फंदा भी बढ़ाएंगे, तो वो सारी चीजें देखिए कैसे करेंगे। ये जो हमने पलटा है, अब ये पहला फंदा हम उतारेंगे अगला बिनने के लिए, लेकिन इसको हम कैसे बिनेंगे, ये हमने उतार लिया पहला फंदा, ऊन अपनी तरफ करेंगे ये देखिए, और इसको हम ये देखिए ये जो है इसको ऐसे ऊन अपनी तरफ करिए, इसको हम ऐसे खींच के ये देखिए ये जो हम खींचेंगे तो ये उल्टा वाला जो पार्ट है इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे, ये देखिए ये ऐसे ये डबल हो जाएगा, ये देखिए ऐसे इसको ऐसे यहां पे ऐसे हम नहीं बिनेंगे, सीधे नहीं बिनेंगे, इसको पलटेंगे पीछे करेंगे और हम
ऐसे इसको अब इसको हम खींच लेंगे। देखिए ऐसे इसको टाइट करके ऐसे खींच लीजिए। तो ये जो हमारे फंदे ये देखिए ये डबल आ जा रहे हैं ऐसे, इसी फंदे को हमें बाद में बिनना है। तो ये डबल कर लिया हमने यहां से, अब हम इसको बीनेंगे सीधा। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया दो, ये तीन और ये चार फंदा। अब ये बीच वाला फंदा है जिसके किनारे किनारे हमको फंदा बढ़ाना है। तो अब इसमें देखिए बस धागे को ऐसे पलट के इस तरह से सिलाई पे लपेट देना है, ऐसे एक बढ़ गया। ऊन अपनी तरफ करेंगे और ये वाला जो फंदा है इसको हम बीनेंगे उल्टा, ऊन पीछे करेंगे फिर से इसको एक फंदा इस पे लपेट देंगे। तो ये दो फंदे हमारे बढ़ गए ऐसे। अब ये दस फंदे जो हैं इसको हम बिन लेंगे सीधा, ये आ गया बीच वाला फंदा जहां हमको फंदे बढ़ाने हैं। तो इसको भी बस ऐसे ये ऊन ऐसे पकड़ के जो इधर वाला है देखिए ये इसको ऐसे सिलाई पे चढ़ा के खींच देंगे, ऊन आगे करेंगे, ये वाला फंदा हम उल्टा बीनेंगे सीधी साइड से, ऊन पीछे करेंगे फिर से इस पे फंदा हम एक ऐसे लपेट के फंदा बढ़ा देंगे। फिर बैक का जो 28 फंदा है इसको भी हम पूरा सीधा बिन लेंगे, टोटल 28 फंदे जो हैं इसको हम सीधे बिन लेंगे। ये देखिए ये आ गया जिसपे हमको फंदा बढ़ाना है, इस यहाँ पे फिर से ऐसे फंदा लपेट दिया सिलाई पे, ऊन आगे किया, ये वाले फंदे को हम सीधी साइड से उल्टा बीनेंगे, ये हमारी सीधी साइड है, ऊन पीछे करेंगे और एक बार फिर से हम इस पे फंदा ऐसे लपेट देंगे। फिर 10 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये हो गया। इसके बाद हम फिर से फंदा लपेटेंगे, ऊन आगे करेंगे, ये वाले फंदे को उल्टा बीनेंगे, ऊन पीछे करेंगे, फिर हम देखिए 1, 2 और ये 3 फंदे सीधे बीनेंगे और पलट देंगे। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ 3 फंदा लिया था ऐसे यहाँ पे हमने 3 फंदा लिया, सिलाई पलट दिया। अब ये देखिए यहां से हमको अब ये ऊन हम पीछे करेंगे ऐसे और इसको हम ऐसे देखिए ऐसे लाके इस तरह से ऊपर से लाएंगे खींच के ऐसे ये और फिर हम इसको उल्टा। आपको अगर ये देखिए ऐसे ये जो है ऐसे और इसको हम इस तरह से ऐसे और इसको पूरा उल्टा, ये देखिए ऐसे और ये उल्टा हम बीनते जाएंगे। तो ये हो गया, दो फंदे बढ़ गए। अब इधर से देखिए ये 4 फंदे हमने बिन लिए, ये जो फंदा ये जो बीच वाला फंदा है ये हमने जो बढ़ाया है देखिए, ये देखिए उल्टा हमने
यहाँ पे देखिए ये हमने फंदा बढ़ाया था, ये उल्टा बिना उन पीछे किया, यहाँ पे मैंने फंदा नहीं बढ़ाया था तो ये मैं फंदा बढ़ा लेती हूँ ऐसे, ये देखिए। और अब यहाँ पे एक दो और ये तीन बिन लिया। अब यहाँ देखिए इसको ये पीछे करके यहाँ से ये चढ़ाते हुए हम ले आएंगे ऊपर और ऐसे एक दो, और ये जो फंदा हमने बढ़ाया था देखिए इसको बिन लेंगे उल्टा, उन पीछे करेंगे, और ये जो उधर से हमने जिसके किनारे किनारे हमने फंदे बढ़ाए थे इसको हम बिनेंगे सीधा, फिर बाकी सारे फंदे हम उल्टे बिन लेंगे, सारे फंदे उल्टे बिनेंगे, और जिसके किनारे किनारे हमने फंदे बढ़ाए हैं उनको हम रॉन्ग साइड से सीधा बिनेंगे। ये देखिए ये जो फंदा बढ़ा था इसको तो हम उल्टा बिनेंगे, ये देखिए ये जो फंदा बढ़ा है इसको हम उल्टा ही बिनेंगे, और उन पीछे करके ये जिस पे हमने ये धागा लपेटा था बीच वाला फंदा इसको हम सीधा बिनेंगे, बाकी सारे फंदे हम उल्टे बिन देंगे। तो इसी तरीके से ये भी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे जहां तक तीन फंदे हमने लिए हैं। ये देखिए इसको हम बिन लेते हैं यहां तक, इसी तरह से उल्टा उल्टा इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फंदा हमने बढ़ा लिया जो उसको उल्टा बिना है, फिर जो फंदा पिछली सिलाई में हमने बढ़ाया था उसको उल्टा बिना, ये वाला सीधा, फिर उसके किनारे वाला ये फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पे तीन फंदे हमने बिने थे तो एक दो, और ये वाला जो फंदा है देखिए इन दोनों को मिला के हम एक संग ऐसे, ये जो फंदा है ये देखिए ये एक्चुअली आएगा देखिए ये ऐसे ये, तो इसको हम इस तरह से उल्टा बिन देंगे। और अब अगला तीन फंदा एक दो और ये तीन उल्टा बिन लिया। अब फिर देखिए तीन फंदा हमने बिना और अभी तीन फंदा बचा है ये, और सात फंदा ये बॉर्डर वाला, फिर से ये देखिए ये, इसलिए इसको यहाँ पे हम लपेट लेते हैं ताकि हमारा यहाँ जब हम ये फंदे जोड़े ये फंदे तो देखिए यहाँ कोई गैपिंग ना दिखे। अब इसको भी फिर हम वही करेंगे, ये फंदा उतार के ऊन अपनी तरफ करेंगे और इसको ऐसे, ये देखिए इसको ऐसे, ये जो हमारा ये आया है डबल फंदा देखिए ऐसे इसको करके इस तरह से उन आगे ये इसको खींच देंगे पीछे की तरफ ऐसे, और फिर हम बाकी का ये सीधा जो है इस तरह से देखिए। अब ये वाला छोड़ दीजिए तो एक दो तीन चार पांच और ये छह, अब देखिए ये फंदा हमने बढ़ाया था ये हो गया सात, ये सात फंदे हमने सीधे बिन लिए। अब फिर से उनको ऐसे ट्विस्ट करके इस पे एक फंदा बढ़ा देंगे, आगे करेंगे ये वाला उल्टा बिनेंगे, फिर पीछे करके फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, और बाकी के बीच के फंदे जो हैं वो हम सीधे बिन देंगे। तो पहली बार हमारे 10 फंदे थे, अब दो फंदे बढ़ चुके हैं तो टोटल बीच में हो गए 12 फंदे। तो ये देखिए इस तरीके से अब नॉर्मल बीच का सेम करना है यहां तक, देखिए इसके किनारे किनारे भी हम फंदे बढ़ा लेंगे, ये देखिए ये बीच में एक सीधी तरफ से उल्टा फंदा है, इसी के किनारे किनारे हमको फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए ये फंदा एक हमने बढ़ा लिया, ऊन आगे करके एक उल्टा बिना, फिर ऊन पीछे करके फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, और बाकी
ये जो पहले 28 फंदे थे अब 30 फंदे हो चुके हैं, तो इसको भी हम यहां तक बिन लेंगे जहां तक ये हमने फंदा ये उतार के पलट लिया था। इसको सीधा बिन लेते हैं और बीच के जो फंदे बढ़ाने हैं उनको हम बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए यहां तक हम आ गए हैं, तो यहां फिर से हम ऐसे फंदा बढ़ाएंगे, ये ऊन आगे करके ये उल्टा बिनेंगे, ऊन पीछे करके फिर से फंदा बढ़ाएंगे ऐसे। ये देखिए ये तीन फंदे बढ़ गए। और अब देखिए ये जो हमने बनाया था एक दो, और ये जो फंदे हमारे हैं एक हमने बढ़ा लिया पिछली बार का, और अब ये टोटल चार फंदे हो गए। और ये जो फंदे हैं ये देखिए ये दोनों को हम एक संग ऐसे बिन देंगे, तो ये देखिए ऐसे हो गया ये यहां पे। अब यहां से तीन फंदे और ले लेंगे, एक दो तीन, ये देखिए फिर यहां उसी तरह से करेंगे। देखिए ये फंदा उतारिए बहुत ही इजी वे में, देखिए ये फंदा उतारिए, इसको ऐसे कर दीजिए पीछे की तरफ, ये देखिए ये डबल आ गया, ये देखिए ऐसे। अब इसको हम आगे कर लेंगे, पिछली बार अगर आपको ना समझ में आया हो तो ये देखिए बस हमको उल्टा बिनना है, उल्टा बिनना है तो पहले यहां से ये जो फंदा है इसको हमें उतारना ही है, तो ये फंदा इसको हम ऐसे सिलाई को पीछे कर देंगे, ये देखिए ये आ गया दो फंदा, ऊन यहां से आगे कर देंगे ये, और बाकी फिर सेम उसी तरह से उल्टे फंदे बिनेंगे। तीन फंदा अभी भी हमारा बचा है, सात फंदा ये, तीन फंदा ये, रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे, बीच में जहां हमारा देखिए ये फंदा बढ़ रहा है उसके किनारे किनारे जो बढ़ रहा है ये वाला फंदा हम रॉन्ग साइड से सीधा बिनेंगे ऐसे, बाकी सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन ले जाएंगे लास्ट यहां तक जहां अभी तीन फंदे बचे हैं। तो इसको भी इतना मैं कंप्लीट कर लेती हूं, फिर उस साइड के भी तीन फंदे लेंगे हम इसी सेम प्रोसीजर से। तो ये देखिए इस तरीके से वही जो मैंने कहा कि ये ऐसे आएगा बैंड कॉलर की तरह, प्रिंस कॉलर की तरह, तो ये देखिए धीरे धीरे हमने तीन तीन फंदे लेके इसको बनाएंगे बनाया है, तो ये हमारा ऐसे कॉलर अच्छा सा आ जाएगा। थोड़ा अलग है इसलिए जरा सा बस इसको समझना है, वैसे बहुत इजी है। ये देखिए यहां तक फिर से, अब ये बढ़ाया हुआ फंदा उल्टा, ये जो बीच का फंदा है ये सीधा, फिर ये बढ़ाया हुआ फंदा लेके देखिए, एक दो तीन चार, तीन फंदे हमने और ले लिए थे, पांच छः, और ये जो है देखिए यहां पे इन दोनों को हम ऐसे साथ में, ये आठ, और ये देखिए बढ़ाने के बाद देखिए दो चार छः सात हमने बिन लिया, दो चार छः सात, और एक मिनट, दो चार छः सात आठ, हाँ देखिए ये बढ़ाने के बाद दो फंदे हमने बढ़ाए थे, तीन फंदा पहली बार लिया था, और ये जो हमारा तीन फंदा आप, तो टोटल ये आठ फंदे हो गए। तो अब इसको भी हम ऐसे उल्टा बिन देंगे, अब तीन फंदे और ले लेंगे, एक दो तीन, ये देखिए सात फंदे ये बॉर्डर वाले रह गए, इसको अभी हम नहीं बिनेंगे, फिर से हम इसको पलट लेंगे ऐसे, ये देखिए इसको ये पलट के पहला फंदा उतार के ऊन पीछे करके, और इसको हम एक बार फिर से देखिए ये ऐसे, ये है इसको हम, ये देखिए ऐसे इसको ले जाएंगे इस तरह से, और बाकी फिर से सेम बिनेंगे। ये सात फंदे हमने छोड़ दिए हैं, ये देखिए इस तरह से बिनते हुए
ये। अब यहाँ पे देखिए, ये दो चार छह एक साथ हमने छोड़ दिया, यहाँ पे हम इसको एक काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ फंदे टोटल हमने ले लिए। दो फंदे हमने दो बार में बढ़ाए हुए हैं और अब यहाँ पे मैं तीसरा फंदा बढ़ाऊंगी ऐसे। तो ये अब जो हमने नौ फंदे रखे थे बॉर्डर के बाद के, वो सारे फंदे हमारे यहाँ पे कवर हो गए। उन आगे, ये उल्टा, उन पीछे, और फिर फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। बाकी सारा सेम रहेगा। देखिए इस तरह से फंदे बढ़ रहे हैं। रॉन्ग साइड से ये देखिए सीधा आ रहा है, राइट साइड से ये फंदा जो हमने जहां से फंदे हमने बढ़ाए दोनों किनारे, ये फंदा उल्टा रहेगा। इसको भी हम बिन लेंगे टोटल यहां तक जहां हमने तीन फंदे पलटे थे, यानी कि यहां से ये तीन फंदा, सात फंदा ये और तीन फंदा ये जो छूट जाएगा यहां तक, इसी तरह से बीच बीच में फंदे बढ़ाते हुए टोटल हम लंबाई पूरी कर लेंगे। ये देखिए फंदे हमने बढ़ा लिए हैं और अब इसी तरह से इसको हम पूरा बिन लेंगे। तो ये स्लीव वाला दो बार हमने बढ़ा लिए थे, तो अब ये 10 से 12, 12 से 14, 14 हो गए हैं। इस बार हम बढ़ाएंगे तो टोटल 16 फंदे हो जाएंगे। तो सेम इसको जो बढ़ाना है हमको फंदा, वो जाली न डाल के हम जो सिलाई पे फंदे लपेट देते हैं, इस तरीके से हमको फंदे बढ़ाना है। ये देखिए, ये बीच में एक उल्टा फंदा, इसी के किनारे किनारे हमको इस तरह से फंदे बढ़ा देने हैं ऐसे। ऊन आगे करेंगे, बीच वाला फंदा उल्टा बिनेंगे, ऊन पीछे करके फिर से इसी तरीके से फंदा सिलाई पे ऐसे लपेट देंगे। तो ये दोनों किनारे हमारे फंदा भी बढ़ जाएगा और जाली भी नहीं पड़ेगी, बाकी सारा सीधी तरफ से सीधा सीधा। तो ये देखिए इस तरीके से बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब लास्ट में हम आ गए, यहाँ भी फंदा हम बढ़ा देंगे इस तरह से, ऊन आगे करेंगे, ये वाला उल्टा, ऊन पीछे करके फिर से फंदा बढ़ा देंगे। और यहाँ पे देखिए, ये एक दो तीन चार पांच छः, ये सात, और ये जो दोनों फंदे थे ये देखिए, ये इधर से इनको भी हम ऐसे सीधा बिन देंगे। ये देखिए, और अब तीन फंदे और ले लेंगे, एक दो तीन। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी गैपिंग नहीं दिखेगी इस तरह से जब हम फंदे लपेट देते हैं। अब यहाँ पे फिर इसी तरह से हम करेंगे, ये अभी सात फंदा हम नहीं बिनेंगे, इसको उतारिए पीछे ले जाइए और ऐसे इधर से, ये देखिए ये जो डबल हो गए फंदे, ये डबल हो गए। अब इनको फिर से हम सेम इसी तरीके से बिन लेंगे जैसे हम बिनते आ रहे हैं। ये देखिए, ये बढ़ाया हुआ फंदा उल्टा, उन पीछे करेंगे, ये देखिए ये सीधा, बाकी पूरा हम बिन ले जाएंगे यहां तक, क्योंकि यहाँ पे हमने तीन फंदे ले रखे हैं टोटल, यहाँ के सारे नौ फंदे हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब हम इसको यहाँ तक बिन लेते हैं, पहले पूरा उल्टा उल्टा, और ये जो एक फंदा बीच का है इसको हम सीधा बिनेंगे। अब देखिए ये भी आ गया है लास्ट हमारा, यहाँ पे सारे नौ फंदे हमने ले लिए थे। तो अब देखिए ये ऐसे, और ये वाला जो फंदा है ये देखिए दो चार छह एक सात बॉर्डर का है, तो इसको हम ऐसे साथ में बिन देंगे उल्टा। सारे नौ फंदे हो गए, अब यहाँ पे कोई फंदा लेने को नहीं बचा है, तो ऊन पीछे करेंगे, और ये देखिए हमारी एक दो तीन चार पांच छह और ये सातवीं सिलाई है। रॉन्ग साइड से उल्टा बिनते हुए हमने ये स्टार्ट किया था, फिर सीधे से हमने फंदे उतारने शुरू किए थे। तो अब देखिए इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब नौ फंदे जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, तो ये अब हम बॉर्डर वाला फंदा भी इसमें ले लेंगे। यहाँ पे सारे फंदे हमारे हो गए, तो अब देखिए इसको इस तरीके से
इस वाले बॉर्डर वाले फंदे को भी हमने सीधा बिन लिया। तो अब ये देखिए, ये देखिए, ये बीच बीच में जो एक फंदा है रॉन्ग साइड से ये सीधा है, बाकी सारे फंदे उल्टे हैं, और ये जो बॉर्डर वाले फंदे ये हम दोनों तरफ से सीधे बीनेंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरह से ये आ रहा है, ये देखिए, ये जो आएगा बैंड कॉलर, तो ये जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप होगा तो इसकी फिनिशिंग देखिए ऐसे आएगी, ये इस तरीके से। अब ये हमारा बेस जो है इसका ये उल्टे सिलाई में कंप्लीट हो गया है, इधर का बचा है। तो अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, अब बाकी के कलर भी हमारे जुड़ेंगे लेकिन वो रॉन्ग साइड से जुड़ेंगे, तो अभी ये राइट साइड है। तो यहां से ये सात फंदे हम बीनेंगे सीधे, ये देखिए ये सीधे, बाकी के फंदे हम बीनेंगे उल्टे। तो ये यहां से ऐसे, ये देखिए इसको हम बीनेंगे उल्टे, ये देखिए ये जो फंदे हमने बढ़ाए थे ये भी हमारे उल्टे ही फंदे हैं। तो यहां पे अब हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे, इसको देखिए आगे से ही बढ़ा लेंगे ऐसे इस तरह से, ये क्योंकि हम सारे फंदे उल्टे बिन रहे हैं, ये बीच वाला भी फंदा उल्टा, और इसके बाद फिर से ये देखिए ऐसे सलाई पे आप फंदे लपेटिए इस तरह से ऐसे, ये देखिए लपेट के ऐसे चढ़ाएंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे। फिर इसी तरह से सारे फंदे यहां तक हम बिन लेते हैं उल्टे उल्टे। ये हमारा जो बीच का फंदा बढ़ रहा है ये देखिए राइट साइड से उल्टा ही है, रॉन्ग साइड से सीधा है, और अभी ये राइट साइड हम टोटल उल्टा उल्टा बिन रहे हैं सिर्फ ये बटन पट्टी के अलावा। बटन पट्टी के फंदे हमने सीधे बिने हैं, बाकी फंदे हम उल्टे उल्टे बिन रहे हैं। जहां फंदा बढ़ाना है वहां हम फंदे भी बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए सारा उल्टा उल्टा हम बिन लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल किनारे पे अब हम आ गए हैं। तो यहां ये हो गया, अब ये जो है इन दोनों फंदों को भी ऐसे हम उल्टा बिन लेंगे, ये देखिए इस तरह से करके इसको दोनों को उल्टा बिन लीजिए ऐसे, उन पीछे करेंगे और ये सात फंदे का बॉर्डर हम बिन लेंगे इस तरह से। इतना हमारा जो हो गया है वो कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा बेस। अब हमारा दूसरा कलर लगेगा, और ये साथ में हमको व्हाइट एक और चाहिए, जो एक मेन गोला मेरा चल रहा है, मैं लच्छी वाले ऊन से बना रही हूं, तो मैं एक गोला और लूंगी अलग से दूसरे साइड का बॉर्डर बनाने के लिए, क्योंकि जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तो हमें ये जो व्हाइट पोर्शन है इसके लिए हमको अलग से दूसरा ऊन चाहिए होगा। तो इसमें मैं एक गोला और लगाऊंगी, आप इसी में से दूसरा ले सकती हैं या आप दो गोले अलग अलग कर सकती हैं। तो मैं दूसरा गोला लगाऊंगी, और अब देखिए यहां से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो अब रॉन्ग साइड से पहले जो सात फंदे हैं इसको हम बिन लेंगे सीधे सीधे, ये देखिए छह सात ऊन अपनी तरफ करेंगे, और अब यहां से जो हमारा बिनाई स्टार्ट होगा वहां हम लगाएंगे अपना ये पिंक कलर। तो सबसे पहले मैं पिंक कलर लगाऊंगी, तो मेरा जो देखिए रोज आएगा पहले पिंक, फिर ये थोड़ा सा ग्रीन है, आप कोई भी ग्रीन कलर ले सकती है या मनपसंद कोई भी कलर, फिर ये येलो एंड फिर ये पर्पल। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी पिंक कलर, तो चलिए पहले पिंक मैं जोड़ लेती हूं। यहां पे हम नॉट लगा लेंगे ऐसे, डबल नॉट लगा लीजिए, और यहां से हम बिनना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अभी तक हम बिनते आ रहे हैं सेम इसको, अब ये व्हाइट मैंने यहीं पे छोड़ दिया है, और अब इससे हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। तो ये देखिए ये जो ऊन है मैं इसको फंसाती भी जा रही हूं, जिससे कि मुझे बाद में इसको ना फंसाना पड़े। तो ऐसे
ये देखिए इस तरह से, ये पिंक कलर है मेरा और ये थोड़ा सा बेबी पिंक का डार्क शेड है, एकदम बेबी पिंक नहीं है, ये थोड़ा सा डार्क शेड है। तो ये देखिए, ये जो हमने बढ़ाया था ये इतना फंदा उल्टा हमने बिन लिया, और ये जो सीधा जा रहा है जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तो इसको भी हम सीधा ही बिनेंगे दूसरे कलर से, बाकी सारे फंदे उल्टे, तो इसको भी हम बिन लेंगे यहां तक, और यहां हमारा दूसरा व्हाइट इसमें लगेगा। तो इतना पहले मैं पूरा बिन लेती हूँ पिंक से उल्टा उल्टा, बीच के बस ये जो चार फंदे हैं जगह जगह इसको हम सीधा बिनेंगे। स्टार्टिंग का बॉर्डर मैंने सीधा बिन लिया है, ये देखिए ये पूरी सिलाई हो गई है। अब यहाँ पे हम अपना ये जो दूसरा ऊन है व्हाइट, इसको यहाँ पे नॉट लगा लेंगे और इधर का जो ये बॉर्डर है अब सात फंदे का, देखिए इसको ऐसे हम, ये ऊन हमारा इधर है, इसे पीछे करके सात फंदे, क्योंकि बॉर्डर जो है उसको हम सीधा बिन रहे हैं, तो ये जो सात फंदे हैं इसको हम ऐसे सीधा बिन देंगे। ये देखिए, और अब ये आ गया हमारा राइट साइड, देखिए इस तरह से ये राइट साइड आ गया। तो अब यहां से जो हम बनाएंगे, पहला फंदा उतार के बॉर्डर बिन लेंगे पहले सात फंदे का, ये देखिए। अब डिजाइन हमारी पड़ेगी तो इस ऊन को ऐसे करके ये जो है इसको देखिए, दोनों देखिए ऐसे क्रॉस करा लेते हैं ताकि यहां बीच में गैपिंग न रहे, ऊन आगे करेंगे और अब यहां से हम बिनना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये ऊन हमने आगे कर लिया, ये पहला फंदा है, इसको हम बीनेंगे, अगला फंदा उतार लेंगे, एक फंदा बीनेंगे इसको उतार लेंगे, ये बिन लिया ये उतार लिया, जैसे हम एक सिंपल सी डिजाइन डालते हैं बिन के ये उतार लेंगे, एक बिना ये उतारा। यहां पे देखिए अब ये हमारा सेंटर का आ जा रहा है, यहां पे ये फंदा हमने बिन लिया। अब यहां पे हमारा फंदा जो है वो बढ़ेगा, ये देखिए ये फंदा बढ़ेगा, ये बीच वाला फंदा है, इसके किनारे किनारे हम फंदा बढ़ाएंगे। तो बस इस ऊन को ऐसे करके, ये देखिए ऐसे हमने ट्विस्ट किया, बस इसको पकड़ के ऐसे ट्विस्ट किया और इसमें हम डाल के ऐसे कर देंगे तो ये फंदा बढ़ गया। ये बीच वाला फंदा भी हम उल्टा बीनेंगे, फिर से ऊन ऐसे करके ये सिलाई में करके इस तरह से देखिए फंदा बढ़ा लेंगे। अब ये तीन फंदे बन गए, बिनना हमको पूरा उल्टा उल्टा ही है इधर से भी। अब यहां हमने फंदा बढ़ा लिया, इसके बाद फिर से हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे जो स्लीव का। तो पहला फंदा हम बीनेंगे, ये देख लीजिए आप एक बार फिर से, ये जो तीन फंदे हैं यहां, ये मैंने बढ़ाया, ये बीच वाला फंदा, फिर इसको बढ़ाया। अब इसके जस्ट बाद ये हम बीनेंगे और उतार लेंगे एक फंदा, एक फंदा बिन लेंगे, उल्टा उल्टा ही चल रहा है, एक फंदा उतार लेंगे, बिन लिया ये उतार के, एक फंदा बीनेंगे, एक फंदा उतारेंगे, बिन के एक फंदा, बिन के एक फंदा उतार लेंगे, ये बीनेंगे ये उतारेंगे, ये बिना ये उतार के। यहां पे देखिए अब हमारा ये फंदा अगर हम बीनेंगे तो ये हमको उतारना पड़ेगा और इसके जस्ट बाद हमको फंदा बढ़ाना है, तो इन दो फंदों को हम एक साथ उल्टा बिन देंगे। ये देखिए यहां पे एक फंदा हमारा कम हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको डिजाइन सेट करनी है क्योंकि यहां फंदा बढ़ाने के बाद हमने पहला फंदा बीना था, लास्ट वाला फंदा भी बीना हुआ आना चाहिए, इसके बाद हम फंदा बढ़ाएंगे। तो अब यहां पे हम ऐसे फंदा बढ़ा देंगे, ये देखिए उल्टा ये सेंटर वाला बिन लेंगे, फिर से फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे ये, और ये पूरी सिलाई उल्टी जा रही है। देखिए फंदा बढ़ाने के बाद फिर से हम फंदा ये बीनेंगे और एक उतारेंगे, यहां पे भी फंदे बराबर हैं, फ्रंट में हमारे नौ फंदे थे इसलिए हमारी जो डिजाइन थी वो अच्छे से सेट हो गई है।
अब ये बैक में भी देखिए, एक उतार के एक फंदा हम बिन रहे हैं। ये उतार लिया, ये बिन लेंगे, एक फंदा उतार के एक फंदा बिन लेंगे, उतार के बिन लिया, ये उतार के ये बिन लिया, उतार के ये बिना, ये उतारा, ये बिना, ये उतारा, ये बिना, उतार के बिन लिया। अब देखिए ये उतार लिया। अब यहां पे भी इन दो फंदों को एक साथ हम बिनेंगे, क्योंकि यहां फिर सेंटर के पहले ये दो फंदे आ रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, एक हमने स्लीव में घटा लिया, एक बैक में घटाया। अब यहां पे हम ये फंदा बढ़ा लेंगे, ये फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर से फंदा बढ़ा लेंगे, और अब यहां पे फिर हम फंदा ये जो है इसको उल्टा बिनेंगे, फिर उतार के। तो इस तरह से देखिए टोटल तीन फंदे हमने इस डिजाइन के संग घटा लिए हैं। तो जो हमने 84 से शुरू किया था स्टार्टिंग में, वो आप वैसे ही रखिए। यहां जब हम फर्स्ट टाइम ये डिजाइन डाल रहे हैं, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पूरी सिलाई में इसलिए पूरा बिन के आपको दिखा दे रही हूं, जिससे कोई भी कंफ्यूजन न रहे इस डिजाइन को सेट करने में। आप देखिए ये उतारा, फिर यहां पे हमारा ये दो फंदा है, इसको भी हम एक संग बिन देंगे। अब यहां हम फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे, ये उल्टा बिन लेंगे, फिर फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये बढ़ गया तीन फंदा। अब यहां पे देखिए, फिर हम पहला फंदा ये बिन के, स्टार्टिंग बिनने से ही करिए, लास्ट भी जो आता है, जो ये प्लेन है, वो बिनने में ही आना चाहिए, उतारा हुआ फंदा नहीं होना चाहिए। ये उतार के ये बिन लेंगे, फिर उतारा, फिर बिना, उतार के बिन लेंगे, फिर उतार के बिन लेंगे, उतार के बिन लिया, फिर ये उतारा, और अब इसको हम बिन लेंगे। देखिए हो गया डिजाइन सेट पहली लाइन का। ऊन पीछे करेंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे ऐसे, देखिए फिर से ये ऊन हमारा, देख लीजिए आप, ये क्रॉस है, इधर से आ रहा है, और ये जो बॉर्डर है इसको हम सीधा बिन देंगे। तो ये हमारी जो डिजाइन की पहली लाइन है, रॉन्ग साइड से हमने उल्टा उल्टा बिना था, राइट साइड से हमने डिजाइन डाला है, और ये डिजाइन कैसे सेट होगा ये मैंने आपको दिखा दिया। रॉन्ग साइड से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे, बॉर्डर सीधा सीधा बनेगा, और बीच के जो ये सीधे सीधे चार फंदे हैं वो बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, सबसे पहले ये सात फंदा ऊन आगे। अब इसको फिर से देखिए, ये हम क्रॉस कर देंगे ऐसे, ये लेंगे पिंक वाला ऊन जो हम लगा रहे हैं, और ये सारे फंदों को हम बिन देंगे उल्टा उल्टा। तो ये देखिए यहां से बिनेंगे, क्योंकि ये किनारे का नहीं है इसलिए फंदे को हम उतारेंगे नहीं, सारा फंदा हम बिनेंगे उल्टा उल्टा, और बीच में जिस फंदे के दोनों किनारे हम फंदे बढ़ा रहे हैं उसको हम सीधा बिनेंगे। बिल्कुल सिंपल डिजाइन, हर किसी ने बनाई होगी। तो ये देखिए, ये जो बढ़ाया था फंदा ये हमने उल्टा बिन लिया, ऊन पीछे करेंगे, ये देखिए ये जो सीधा जा रहा है इसको हम सीधा बिनेंगे, और बाकी सारे फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। पूरी सिलाई इसी तरीके से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमारी एक डिजाइन पड़ गई है। अब फिर से ये बॉर्डर बनाएंगे, ऊन को ये क्रॉस करा के ये वाला ऊन हम आगे कर लेंगे। ये देखिए इन दोनों ऊन को, ये व्हाइट इधर रखा है, ये नीचे है पिंक वाला, इसको हम आगे कर लेंगे। और अब यहां से हम जो डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे, देखिए पिछली बार हमने इसको बीना था, इस बार हम इसको उतार देंगे, दूसरे फंदे को हम बीनेंगे, इसको उतार लेंगे, बीनेंगे उतारेंगे। जो फंदा पिछली सिलाई में हमने बीना था उसको हम उतार लेंगे, और जिस फंदे को हमने उतारा था उसको हम बीन लेंगे। तो ये हमारा ऐसे एक डिजाइन बन के आएगा। देखिए तो अब
याद रखिए, जिसको हमने पिछली बार बीना था उसको हम बिन उतारेंगे और जिसको उतारे थे उसको हम बिन लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये चौथी सिलाई का डिजाइन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फंदा हमने बढ़ाया था इसको भी हम बिन लेंगे। यहाँ फंदा हमने बढ़ाया था, अब यहाँ फिर से ये फंदा बढ़ेगा, देखिए ऐसे, ये उल्टा, और फिर यहाँ पे फंदा ये ऐसे बढ़ेगा, और ये वाली सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। बढ़ाने के बाद जस्ट फंदा बिनना है, बढ़ाने के पहले जस्ट फंदा बिनना है। याद रखिएगा, जहां पे हम फंदा बढ़ा रहे हैं उसके दोनों किनारों पे हमारी जो ये डिजाइन है वो उतारा हुआ फंदा नहीं होना चाहिए, बिना हुआ होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसको बिन लिया, अब अगला फंदा हम उतार लेंगे। ये देखिए, ये पिछली सिलाई में हमने नहीं बिना था तो इसको हम बिनेंगे, अगले फंदे को उतार लेंगे। इसी तरह से ये सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई, टोटल उल्टी उल्टी, यानी चौथी सिलाई है, पांचवी सिलाई हम उल्टा उल्टा पूरा बिन लेंगे। उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उसको हम उल्टा बिनेंगे, और ये जो बीच वाला एक उल्टा फंदा है उसको हम रॉन्ग साइड से सीधा बिनेंगे, दोनों किनारे पे सीधा बिनेंगे। तो ये हमारी चौथी सिलाई है डिजाइन वाली, पांचवी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बिन के फिर मैं छठी सिलाई में आपको ये दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने बना लिया है उल्टी सिलाई, फिर से मैंने उल्टा उल्टा बिन लिया है पांचवी सिलाई। अब देखिए, यहाँ पे एक बार ये डिजाइन हम और डालेंगे, जैसे हमने पहली सिलाई में डाला था सेम उसी तरीके से। तो सबसे पहले ये बॉर्डर बिन लेंगे, ये देखिए, फिर इसको क्रॉस करा के ये ऊन हम लाएंगे अपनी तरफ, और इसको देखिए, पहली बार हमने यहाँ पे उल्टा फंदा बीना था सीधी साइड से, उल्टा पूरा उल्टा उल्टा है। फिर देखिए, सेकेंड टाइम में यहाँ पे हमने फंदा उतारा था, अब यहाँ पे फिर से हम पहली सिलाई रिपीट करेंगे। तो पहला फंदा पिंक जो है हम बिन लेंगे, अगला फंदा उतारेंगे, ये बिन के उतार लेंगे, फिर बीना उतारा, एक फंदा बीनेंगे एक फंदा उतार लेंगे। जो फंदा हम उतारेंगे आप ख्याल करिएगा कि नीचे हमने उस फंदे को बीना हुआ है, फिर ऐसे, ये देखिए, जो यहाँ पे उल्टा उल्टा का ये जो नॉट आता है इसको हम उतार लेंगे, और ये थोड़ी सी जो गैपिंग है इसको हम बीन देंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमने पिछली सिलाई में बीना है उसको उतारना है, और जो हमने उतारा था उसको बिनना है। ये पिछली सिलाई का बढ़ाया हुआ फंदा है तो यहाँ पे ये हमने बिन लिया। अब ये सेंटर वाला फंदा, इसके किनारे हम फंदा बढ़ाएंगे, उसको बिन लेंगे, फिर ये फंदा बढ़ा लेंगे, और फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम पहले बीनेंगे और फिर फंदा उतारेंगे। ये वाला स्टार्टिंग हमारी चाहे जैसे हो, लास्ट में जो बीच का फंदा हम बढ़ा रहे हैं उसके किनारे वाला फंदा बीनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे, फिर बीच वाला फंदा बीनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे डिजाइन का। तो पहला फंदा बीन के ही स्टार्ट करेंगे। तो ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे देखिए, ये हमारी डिजाइन कंप्लीट हो गई, और इस कलर से हमने 6 सिलाई लगभग बिन लिया है। उल्टे से हमने शुरू किया था, उल्टा सिलाई पूरा उल्टा उल्टा, फिर एक बार डिजाइन, दो बार डिजाइन, तीसरी बार डिजाइन। तो ये पूरी जो हमारी सिलाई है इस कलर से 6 सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अब रॉन्ग साइड में हम पहले बॉर्डर बिन लेते हैं, इसको जो हमारा 7 फंदे का बॉर्डर है इसको हम बिन लेंगे, ऊन आगे करेंगे, और अब हम बीनेंगे व्हाइट से ही पूरी सिलाई उल्टा उल्टा। तो ये देखिए इस तरह से, अब यहाँ पे ये ऊन हम कट कर देंगे क्योंकि अब इस कलर को रिपीट नहीं करना है। इसके बाद जब हम कलर लगाएंगे तो अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो इस तरह से इसको हम नॉट लगा लेंगे और पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेंगे, और बीच के जो फंदे हैं वो हम सीधा बिनेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे फंसाते जाइए तो आपका ऊन भी फंस जाएगा, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में किया है इस तरह से। और हमारा ये
डिजाइन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब बीच में हमारा व्हाइट का बेस है, तो ये देखिए इस तरीके से अब हम इसको बिन लेंगे। ये पूरी उल्टी सिलाई, दोनों गोले हमारे व्हाइट जो है वो साथ में चलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ के बॉर्डर हम अलग अलग ही बनाएंगे, बीच में व्हाइट बनेगा तो भी, क्योंकि फिर हमको दूसरा कलर लगाना है। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो बीच के व्हाइट, ये जो सीधे फंदे हैं, इनको हम सीधे सीधे बीनेंगे। देखिए एक दो तीन और ये चार, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बन गया। उल्टी सिलाई हमने टोटल व्हाइट व्हाइट बीन ली है। अब ये जो गार्टर स्टिच हमने बीना था, यानी सीधी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बीनेंगे ये बॉर्डर छोड़ के, तो अब व्हाइट से ही हम बीनेंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है व्हाइट से। तो ये देखिए पहले हम बॉर्डर बीन लेते हैं, अब इसे उनको छोड़ के, ये जो मैंने कहा कि दोनों साइड ऊन अलग अलग ही जाएगा, इससे मैंने उल्टा पूरा बीना है ऊन। अब आगे करके ये पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बीनेंगे, बीच में फंदे बढ़ाते जाएंगे। जहां पे हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, यहां हमने कोई डिजाइन नहीं डालनी है। जब हम अलग कलर लगाएंगे तभी हम डिजाइन डालेंगे, व्हाइट से हमको कोई डिजाइन नहीं डालनी है। तो ये देखिए इस तरीके से ये, अब यहां हम फंदा बढ़ा लेंगे, ये बीच का उल्टा फंदा, और फिर से फंदा बढ़ा लेंगे, और पूरी सिलाई ये उल्टा उल्टा हम बिन लेंगे। देखिए ये दूसरी सिलाई है, फिर तीसरी सिलाई उल्टा बिनेंगे, चौथी सिलाई हम फिर से सीधा बिनेंगे, और इसके बाद फिर हम पांचवी सिलाई फिर से इधर से मैं बिन के आपको दिखा देती हूं। देखिए ये दूसरी सिलाई उल्टा, तीसरी चौथी, तीसरी यानी उल्टे तरफ से उल्टा, चौथी सीधे तरफ से सीधा, फिर पांचवी उल्टे तरफ से उल्टा, फिर छठी सिलाई, जैसे छह सिलाई ये हमने बनाया है उसी तरह से ये दूसरी सिलाई उल्टा है, फिर हमारा बीच में जो तीन सिलाई वो सीधा उल्टा जाएगा, और फिर हम लास्ट में ये छठी सिलाई उल्टा उल्टा बीनेंगे। तो ये मैं बिन के आपको दिखा देती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दूसरी सिलाई, पहली सिलाई उल्टा उल्टे तरफ से, दूसरी सिलाई उल्टा सीधी तरफ से, तीसरी सिलाई उल्टा उल्टे तरफ से, चौथी और पांचवी सिलाई, चौथी सिलाई सीधा, पांचवी सिलाई उल्टा, और छठी सिलाई फिर से ये गार्टर स्टिच उल्टा। तो मैं इतना करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से दूसरी सिलाई यहाँ पे, जैसे ये एक तरह से ये पैक हो गया ये डिजाइन, बीच में जो मेरा प्लेन है, तो तीसरी सिलाई उल्टी, चौथी सिलाई सीधी, और पांचवी सिलाई उल्टी मैंने बना ली है। और अब छठी सिलाई जो हमारी सीधी साइड से है वो भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, जैसे हमने ये बनाया है। तो अब यहाँ पे ये बॉर्डर जो है सात फंदे का, इसको तो हम सेम रखेंगे, सीधा उनको चेंज करेंगे, क्योंकि हमने दो कलर लगाने हैं, तो ये दोनों साइड व्हाइट अलग अलग है, तो यहां ऊन पलट के अब इसको हम ये वाली जो सिलाई है पूरी उल्टी सिलाई में बिन लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से फंदे हम सेम बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमने बढ़ा रखे हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरी सिलाई उल्टा उल्टा हम बिन लेंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है, बस थोड़ा सा समझना है। इस तरह से गले वाला स्वेटर कई लोगों ने बनाया ही होगा, बस इसमें इस डिजाइन को हमको ख्याल करना है। अब देखिए यहाँ पे ये फंदा बढ़ रहा है, ये उल्टा, और फिर ये फंदा बढ़ा लेंगे, पूरी सिलाई इस तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो यहाँ पे ये इतना हमारा डिजाइन का पैटर्न, बीच में ये इतना प्लेन, और दोनों ही जो हमारी डिजाइन और ये प्लेन जो दोनों ही बन रहा है, वो दोनों ही मेरे छह छह सिलाई अब हैं। यहां इसको मैं काउंट नहीं कर रही हूं, यहां से अगर आप काउंट करिए यहां से, तो देखिए ये छह सिलाई, ये छह सिलाई। अब ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अपना ये वाला कलर लगाएंगे।
ये देखिए, ये हमने पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है, सीधी सिलाई उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी सिलाई में हम कलर चेंज कर लेंगे अपना। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये व्हाइट बॉर्डर ऊन अपनी तरफ कर लेंगे। अब यहां से हम बिनने के लिए अपना ये कलर लगा लेंगे। और अब यहां से सेम जैसे हमने इसको बीना था, ये देखिए ऐसे बीनते हुए ये ऊन फंसाते जाएंगे। पूरी उल्टी सिलाई बीन लेंगे सीधी तरफ से, जिस तरह से हमने ये डिजाइन बनाया है। पहला फंदा बीनेंगे, दूसरा उतारेंगे, पहली बार में उल्टी सिलाई पूरा उल्टा उल्टा, तीसरी बार में जब ये सेकंड डिजाइन हम डालेंगे तो ये फंदा उतारेंगे, और जब तिबारा हम बनाएंगे तो ये फंदा बिन लेंगे। तो एक बार बीना है हमने, एक बार किनारे का उतारा है, फिर एक बार बीना है। जहां हम फंदे बढ़ा रहे हैं उसके दोनों किनारों पे हमारा बिना हुआ फंदा आना चाहिए। अब हमारी डिजाइन सेट हो जाएगी क्योंकि बीच में हमने तीन फंदे घटा दिए हैं। तो अब देखिए, इसी तरीके से इसको हम कर लेंगे। ये एक कलर मैंने बना लिया है, सेम इसी तरीके से अब हमारा ये कलर, इसके बाद ये कलर, और तीसरे नंबर पे ये कलर। एक हमने लगा लिया तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इन चार कलर से हम ये डिजाइन डाल के कम्प्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा स्लीव जो है वो डिवाइड होगा। तो ये चारों डिजाइन बनाने के बाद स्लीव कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये सारे फंदे हम बढ़ा के बना लेंगे, अपनी ये बाजू की लंबाई कम्प्लीट कर लेंगे। और इसी तरीके से ये चारों कलर का एक बना लिया मैंने, तीन कलर और बनाने के बाद ये हमारा स्लीव अब डिवाइड होगा। तो इतना पहले मैं कर लेती हूँ, फिर स्लीव हम कैसे डिवाइड करेंगे, बॉडी कैसे डिवाइड करेंगे वो मैं आगे के पार्ट में आगे बताऊंगी, इसी पार्ट में आगे बताऊंगी। तो ये मैं इतना बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने चौथा कलर भी इस तरह से लगा के इतनी लंबाई जो है बाजू की कंप्लीट कर ली है, जहां से हम सारे पार्ट डिवाइड करेंगे, फ्रंट, बैक और स्लीव। अब ये इतना बढ़ाने के बाद ये रॉन्ग साइड से मैंने व्हाइट कलर लगा लिया है। ये यहाँ पे ये वाला भी लास्ट कलर, जो मेरा चार कलर जो मैंने लगाया है वो फिनिश हो गया है। तो अब यहाँ पे टोटल जो फंदे हैं अब तक बढ़ाने के बाद वो है 281, यानी कि 281 फंदे, 281 फंदे अब हैं टोटल। तो अब देखिए, यहां से अब हमको ये उल्टा वाला पार्ट बिनना है, जो ये हम बिन रहे हैं बीच का, ये प्लेन करने के लिए। तो यहां इसको अब हम बिनना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहां पे सबसे पहले ये सात फंदा जो हम बना रहे हैं इसको बना लेंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब इसको ये क्रॉस करके ये वाला ऊन इधर कर लेंगे। इसको हमको बिनना है उल्टा उल्टा। तो ये यहां से ये हम उल्टा बीनेंगे, फिर बीच में हम जो सादा बीनेंगे, ये सेकंड रो है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रो जो हमारी है वो हमारा सीधा उल्टा सीधा बनेगा जो बीच का। तो ये देखिए थर्ड है, तो रॉन्ग साइड से हम बीनेंगे उल्टा, फिर राइट से सीधा, फिर उल्टा, और फिर ये पैक होगा। लेकिन अब इसको, ये जो हम उल्टा वाला बीन रहे हैं तो इसको हम पूरा नहीं बीनेंगे, यहां से हम स्लीव डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, यहां से ये फ्रंट पार्ट हम बीन लेंगे, जितना हमारा ये है आगे का ये, और अब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो हम अभी तक फंदा बढ़ा रहे थे इस रो में, अब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए, सीधी साइड में हमने फंदे बढ़ाए हैं अभी तक, अब नहीं बढ़ाएंगे। टोटल 281 यानी कि 281 यानी कि ये देखिए
281 फंदे, ये बीच का फंदा है। इसके किनारे किनारे हम फंदे बढ़ाते थे, लेकिन अब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरह से देखिए, ये हमने फ्रंट बिन लिया, यहां हम फंदा बढ़ाते थे, यहां से ये देखिए, ये यहां तक हमारा स्लीव का पार्ट है, ये जो सीधा आ रहा है इतना, इसको भी हम पूरा यहां से लेके ये इतने तक, ये जो स्लीव का पार्ट है इसको हम बिन लेंगे व्हाइट उल्टा उल्टा। यहां से हम स्लीव डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद ये बाद में इधर बनेगा। हमने स्टार्ट किया फ्रंट से, फ्रंट पार्ट बिन लिया, अब ये स्लीव का पोर्शन है जिसको हम बिनेंगे। ये जो हमारा व्हाइट वाला, सॉरी, ये जो सीधा ये लाइन आ रहा है, देखिए ये पहला, ये दूसरा, तो ये दूसरे तक हम इसको बिन लेंगे। ये देखिए, ये जो सीधा वाला है ये यहां तक, तो इसको ये, अब इसको हम पलट देंगे यहां से। देखिए, अब बस स्लीव का पोर्शन हम लेंगे यहां से यहां तक, ये जो ये पहला सीधा है, देखिए ये फ्रंट पार्ट, यहां से ये जो सीधा वाला आया है यहां तक। तो अब हम यहां पे बॉर्डर बिनेंगे, क्योंकि ये टी शर्ट टाइप का है, स्लीव इसमें फुल स्लीव नहीं है। तो ये देखिए, अब ये पहला फंदा हम उतार के ऊन आगे कर लेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे ऊन पीछे। अब यहां से हम दो सीधा और दो उल्टा, जैसे हमने नेक में बनाया है इस तरह से इसका बॉर्डर बनाएंगे, दो सीधा दो उल्टा, दो सीधा दो उल्टा। दो सीधा दो उल्टा, और ये हमारा बैक साइड से बन रहा है। देखिए, ये बैक साइड है, यहां से हमने बॉर्डर बनाना स्टार्ट किया है। आप चाहें तो इसका स्लीव लंबा बना सकती हैं, सेम कलर को रिपीट करके जितना बड़ा आपको बनाना है अपने बच्चे के हिसाब से आप इसका स्लीव बना सकती हैं। ये जो मेरा नाप है 2 से 3 साल तक के बच्चे को बहुत आराम से आएगा। तो 84 फंदे से हमने ये डिजाइन स्टार्ट की है। स्टार्टिंग गले से जो हमने की है, पहले फंदा हमने डाला है 84, और अब लास्ट फंदा बढ़ाते बढ़ाते इसमें 281 फंदे हो चुके हैं। तो देखिए, इस तरह से ये बॉर्डर, स्टार्ट किया है मैंने यहां से, पहला सीधा दूसरा उल्टा बिनने के बाद दो सीधा दो उल्टा का बॉर्डर ये हम बना रहे हैं। जैसे नेक में है तो इसी तरह से इसका भी बॉर्डर बन जाएगा। तो ये स्लीव हमारी जो है वो तैयार हो जाएगी। लॉन्ग स्लीव मैं नहीं बना रही हूं, बस ये यहां तक ही है, क्वार्टर एक आप बोलिए। तो देखिए, यहां पे ये दो सीधा और ये लास्ट में एक उल्टा, इसको हम कर लेंगे। अब इसको हम यहां से यहां तक पूरा बॉर्डर एक सिलाई मैंने बना लिया, फिर टोटल 9 सिलाई मैं बनाऊंगी। एक सिलाई बन गया, 9 सिलाई बनाने के बाद इसको हम बंद करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये है, अब इसका बॉर्डर तैयार कर लेते हैं। अब यहां से देखिए, पहला फंदा उतार के ऊन आगे करेंगे और ये हम दो उल्टा बिनेंगे। फ्रंट पार्ट हमने यहीं पे छोड़ दिया, यहीं से बस ये देखिए छोड़ दिया है, स्लीव बना रहे हैं। और ये दूसरी सिलाई है, आप चाहें तो सिर्फ 8 सिलाई बनाइए, 9वीं सिलाई में इसको घटा सकती हैं। तो ये मेरा जो है, देखिए दूसरी सिलाई है, 8 सिलाई बनाते हैं, 9 सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे। आपको ज्यादा चाहिए तो आप 10 सिलाई का भी बॉर्डर बना सकती हैं। तो टोटल 8 सिलाई का बॉर्डर हम बना के इसको बंद करेंगे। ये देखिए, ये मैंने बना लिया है, 8 सिलाई का बॉर्डर मैंने बनाया है। ये उल्टा जो हमने बीना था, इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अब रॉन्ग साइड से, क्योंकि
रॉन्ग साइड से हमने स्टार्ट किया है बनाना बॉर्डर और अब रॉन्ग साइड से ही हम इसको बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए देखिए, ये पहला फंदा जो हमारा है सीधा है, तो इसको उतार के इधर कर लेंगे धागा और इस तरह से दो का एक हम करते जाएंगे। देखिए ये दो का एक, इसको हम ऐसे पूरा उतार लेंगे। टोटल स्लीप पे हमारे 61 फंदे हैं जिसका हमने ये बॉर्डर बनाया है और इस तरह से अब हम इसको सारे फंदे बंद कर लेते हैं तो एक हमारी जो स्लीव है वो तैयार हो जाएगी। इस तरीके से देखिए सारे फंदे हम बंद कर देंगे। रॉन्ग साइड से फंदे मैं बंद कर रही हूं। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे हमारे बंद हो गए। अब ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा स्लीव का एक पार्ट जो है, ये देखिए एक तरफ की ये स्लीव जो है ये बन गई। 8 सिलाई का मेरा बॉर्डर है। आपको अगर स्लीव लंबी बनानी है तो आप सेम कलर रिपीट करते हुए फिर से और इसकी लंबाई सेम इतने ही फंदे को बिनते हुए कम कर सकती हैं, सॉरी लंबाई बना सकती हैं। चाहे तो आप यहां से फंदे घटा भी सकती हैं। टोटल 61 फंदे एक साइड की स्लीप पे हैं। आप देखिए इसको मैंने अभी धागा निकाल के कट नहीं किया है क्योंकि यहीं से हमको अगला शुरू भी करना है तो ये जो है ऐसे इसको हम यहाँ पे सिलेंगे और ये सिलाई जो मैं करूंगी वो करूंगी मैं क्रोशिया से। देखिए ये मेरी क्रोशिया है, ये 3.50 mm, क्योंकि इसी क्रोशिया से मैंने ये इसी नंबर की सिलाई से मैंने ये स्वेटर बनाया है, इसी से मैं ये बना रही हूं। अगर आपके पास ये नहीं है सेम नंबर तो जो भी नंबर आपके पास हो, देखिए ये 10 नंबर की है, ये 3.25 mm है, तो इस तरह से आप कोई भी क्रोशिया हुक ले सकती हैं, इससे पतला इससे मोटा काम होने से मतलब है। तो अब देखिए ये जो है, देखिए ये हमारा ऐसे इसको हम ले लेंगे। ये मैंने बंद नहीं किया है फंदा लास्ट वाला, इसको ऐसे करके एक बार आप इस तरह से ऐसे निकाल लीजिए। अब इस साइड का ये जो हमने स्टार्ट किया था पहला वाला घटाना, ये देखिए ये यहां से सिलाई दोनों साइड है, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आप आराम से करिए बन जाएगा। और ये देखिए ऐसे हमने फंसा लिया। अब दोनों को ऐसे बराबर रखिए, जो फंदे हमने उतार रखे हैं पहले फंदे इन्हीं को हमें करना है। तो यहां से देखिए ये ऐसे, इधर से भी ये ऐसे, ये लेंगे इसमें से दोनों में से ऐसे करके ये इस तरह से और एक चेन। फिर अगला फंदा जो हमने उतार रखा है देखिए इन दोनों में से निकाला, फिर इधर से इसको ऐसे दोनों में से निकाल लेंगे एक चेन। तो इस तरह से ये हमारा सिल जाएगा और हमें ऊन भी कट नहीं करना पड़ेगा और एक संग हमारा दोनों काम हो जाएगा। ये देखिए चेन, तो बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको अगर दिक्कत लग रही है तो आप इसको सुई से भी सिल सकती हैं, लेकिन इस तरह से हमारा जो ये ऊन है वो एक का एक ही रहेगा, हमको कहीं भी नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए ये सिल रहा है यहाँ पे, फिर लास्ट वाला ऐसे अच्छे से जहां तक फंस सके इसको आप फंसा दीजिए, जिससे कि बीच में हम जब इसको आगे बिनना शुरू करें तो हमारे इसमें कहीं भी कोई भी गैपिंग ना हो। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो सीधा वाला है ये ऐसे, यहां से ये ऐसे लेके इसको भी हम ये देखिए ऐसे लेके यहां से ये ऐसे। अब यहां मैंने चेन नहीं लिया है, इसको खींच लेंगे और इसको जो है इसी तरह से ऐसे सलाई पे चढ़ा लेंगे और यहां से ये ऐसे खींच दीजिए। तो यहां देखिए जो एक सेंटर वाला फंदा हम लोगों का था वो इस तरह से, और ये देखिए ये सिलाई भी हो गई, हमारा बॉर्डर भी बन गया और ये ऊन भी हमको कट नहीं करना पड़ा। अब देखिए
यहाँ से ये पूरा बैक का पार्ट, फिर ये स्लीव यहाँ से और यहाँ तक, ये हम पूरा उल्टा बिन लेंगे। फिर इधर से स्लीव का पार्ट लेके हम बॉर्डर बिनना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये सेम है, स्लीव बन चुकी है, कहीं कुछ नहीं करना है, ऊन को आगे कर लेंगे और ये उल्टा उल्टा हमने बिनना है। तो इस तरह से अब हम आगे पूरा ये बिन लेंगे, ये बैक का पार्ट, फिर स्लीव का पार्ट और फिर फ्रंट तक जो हमारे अब अगले दो सीधी पट्टियां हैं रॉन्ग साइड से, देखिए ये और ये, यहां से यहां तक अब हमारा स्लीव का पोर्शन रहेगा। तो ये जो मैं बिनती हुई आ रही हूं, इसको पूरा क्रॉस करके यहां तक आऊंगी, फिर यहां से बॉर्डर बिनना स्टार्ट करूंगी। ये देखिए यहां तक है। अब ये इस साइड का फ्रंट पार्ट बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो बटन होल है, मैंने देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12 के बाद बनाया है, और यहाँ का भी 2, 4, 6, 8, 10, 11 हुआ है। अब अगली बार जब मैं बिन लूंगी उसके बाद मैं बढ़ाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे सॉरी बटन होल बनाऊंगी और अभी मैंने यहाँ कोई बिनाई नहीं करनी है। तो यहाँ से अब इसको हम पलट देंगे। फिर देखिए ये जो जैसा मैंने बताया था, ये सीधा और ये सीधा, इतना हमको लेके दूसरी वाली भी स्लीप बना लेनी है, सेम इस तरह से जैसे हमने ये वाली स्लीप बना ली है। देखिए तो टीशर्ट स्टाइल है, जो थोड़ा सा स्लीव होता है जरा सा, और ये तो यही चीज अब हम इस साइड भी कर लेंगे। सेम 8 सिलाई का बॉर्डर बिनने के बाद ये देखिए, पहला फंदा उतार के ऊन आगे करके एक उल्टा हमने बिन लिया, इसको हम दो काउंट कर लेंगे और फिर दो सीधा दो उल्टा बिनते हुए 8 सिलाई का बॉर्डर बिन लेंगे और इसको भी बंद करके इसी तरह क्रोशिये से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ये वाली भी स्लीव मैंने जोड़ ली है और अब ये जो है इसको हम ऐसे सिलाई पे चढ़ा लेंगे। लास्ट जोड़ने के बाद यहाँ चेन नहीं लेते हैं और ये देखिए इस तरह से ये हो गया, ये स्लीव ये भी जुड़ गया और अब इसको भी पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे, ऊन आगे कर लेंगे और पूरा उल्टा उल्टा इसको भी हम बिन लेंगे। तो इस तरह से दोनों स्लीव जो है वो तैयार हो गई। अब बॉडी का पार्ट बचा फ्रंट और बैक, जो कि जुड़ चुका है, इसमें कहीं से कुछ जोड़ना नहीं है अलग से और कोई सिलाई नहीं करनी है। तो ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन का जो ब्लॉक था वो हमने ऐसे उल्टा उल्टा बिन के इसको बंद कर दिया। अब रॉन्ग साइड से हमको उल्टा बिनना है, फिर सीधा फिर उल्टा बिन के इसको भी व्हाइट वाला पार्ट फिनिश करके फिर सेम कलर को हम रिपीट करेंगे। यहां से अब हमारा ये पूरा इधर भी जाएगा। तो ये देखिए यहां बटन होल बनाना है मुझे, लेकिन अभी 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 11 है। तो जब मैं नेक्स्ट सीधी साइड से फिर आऊंगी तब यहां पे मैं बटन होल बनाऊंगी। मैंने 12-12 लाइन के बाद बटन होल बनाया है, आप कम ज्यादा भी कर सकती हैं। देखिए इस तरह से ये मेरे बटन होल की गैपिंग है, आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकती हैं। अब इधर से सेम अभी तक जैसे हम बिनते आ रहे हैं वही चलेगा। यहां से देखिए ये बॉर्डर बिन लेंगे 7 फंदों का, अब यहां से ये देखिए इसको भी हम उल्टा बिनेंगे, फिर उल्टा सीधा उल्टा बिनने के बाद राइट साइड से फिर उल्टा उल्टा बिनेंगे और रॉन्ग साइड से फिर से हम कलर चेंज करके आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा जो है, ये देखिए ये इस तरह से हमारा ये अब बॉडी का पार्ट बनेगा। ये ऐसे स्लीव बन चुका है। जैसा कि मैंने कहा आपको स्लीव लंबी बनानी है तो आप सेम ये जो मेरे कलर चारों हैं
आप जो भी कलर लगाती हैं उसको रिपीट करते हुए इसकी और लंबाई बढ़ा सकती हैं। फंदे 61 है, नीचे आते आते थोड़े फंदे घटा के आप 45-40 तक फंदे ले जा सकती हैं, क्योंकि ये 2 से 3 साल तक के बच्चे का है तो ये इतना काफी है। सीधे बिनते हुए लास्ट में आप थोड़े फंदे घटा के बॉर्डर में 40 फंदे तक रखिए, 45 रखिए अगर आपको ज्यादा रखना है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा है, ये ओवरलैप होगा एक के ऊपर एक, तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न है। ये धागा मैंने अभी नहीं निकाला है और इस तरह से देखिए ये है, सेम है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही ये इसी तरह से ये डिजाइन रिपीट करते हुए, इन्हीं चारों कलर को रिपीट करते हुए मैं आगे इसकी लंबाई बनाऊंगी। तो अब सबसे पहले मैं ये 4 कलर रिपीट करूंगी और इसके बाद ये 3 कलर, यानी कि ये 7 लाइनिंग अलग अलग कलर की जो वो है वो मैं बनाऊंगी। लास्ट वाले में ये वाली लाइन मैं नहीं बनाऊंगी और ये मेरा इसका लंबाई कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो नाप है 2 से 3 साल तक के बच्चे को बिल्कुल परफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको और बड़ा चाहिए तो ये जो है ये देखिए ये चीज है, 84 फंदे हैं, ये 4 साल के बच्चे को भी बहुत आराम से नेक आएगा। आप ये भी बहुत सही आएगा, आप चाहे तो फंदे और थोड़े बढ़ा सकती हैं, लेकिन यही सेम मेजरमेंट में आप लंबाई और थोड़ी सी जाली और बढ़ा के 5 साल तक के बच्चे का नाप आराम से बना सकती हैं। तो ये है हमारा बेस में जो स्टार्टिंग है। अब देखिए जैसे हमने ये प्लेन पार्ट बनाया था वैसे ये प्लेन पार्ट मैं अब बना के फिर से ये अपना पिंक लगाऊंगी, फिर ये ग्रीन, येलो एंड पर्पल, ये चारों कलर रिपीट करते हुए मैं इसकी लंबाई पूरी कर लूंगी। तो पूरा करके मैं दिखाती हूँ कि इसमें इसका लुक कैसा आता है। ये देखिए ये मैंने लंबाई कंप्लीट कर ली है। लास्ट में आके यहाँ पे मैंने एक फंदा घटाया है ये बॉर्डर बराबर करने के लिए, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, सेम डिजाइन है, सेम लाइनिंग। देखिए ये 4 लाइनिंग मैंने एक बार फिर से रिपीट की है और लास्ट में ये 3 लाइनिंग मैंने रखी है। एक ये पर्पल वाला जो मेरा कलर है इसको मैंने नहीं लगाया है। तो ये मेरी लंबाई कंप्लीट है। बॉर्डर भी मैंने देखिए ये जितना मैंने ऊपर बीना था उतना ही मेरा ये नीचे है, 8 सलाई का बॉर्डर है। ये देखिए ये उल्टी लाइनिंग जो हमने सीधी तरफ से कंप्लीट की थी और रॉन्ग साइड से हमारा ये बॉर्डर बनना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ के बाद अब ये देख लीजिए, अगर आप ये उल्टा वाला देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 सलाई का बॉर्डर मैंने बना लिया है। टोटल देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 बटन होल है, बस इतना ही मैंने बनाया है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप ये एक लाइनिंग और कंप्लीट कर लीजिए या आप बॉर्डर और बना लीजिए। तो यहाँ पे लास्ट जो मेरा देखिए आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 आया है। मैंने जो बटन होल ये बनाया है वो 12-12 के लाइनिंग के बाद बनाया है, ये देखिए इस तरह से। तो ये मेरा इस तरह से यहाँ पे जो लास्ट है वो 9 लाइन आई है, 9 लाइन जो है ये मेरी ये गार्टर स्टिच की आई है बॉर्डर की। तो इस तरीके से मेरा ये 6 बटन होल बना है और मैंने इस तरह से ये 6 बटन इसमें ऐसे व्हाइट वाले लगा लिए हैं। आप चाहें तो इसमें कोई भी इसमें से जो भी कलर लगे हैं उस कलर का बटन लगा सकती हैं, या आप जो कलर बना रही हैं जो बेस के लिए आप जो कलर ले रही हैं उसमें से कोई भी कलर लगा सकती हैं। तो मेरा ये व्हाइट है, मैंने इस टाइप से बटन ये लगाया है यहाँ पे इसका। ये देखिए ये सिल्वर बॉर्डर है और ये ऐसे इसका बटन है। तो इस तरह से ये 6 बटन मैंने लगा लिए हैं। इसमें कहीं कोई सुई का काम नहीं है, सारा इसमें बनाते हुए ही यहाँ पे जिस तरह से हमने क्रोशिया से इसको सिल लिया कहीं सुई का काम नहीं है। यहाँ पे जो ऊन था उसको मैंने क्रोशिया से ही देखिए अंदर की तरफ ये फंसा लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा बिल्कुल इसको फंसा के कट कर दिया है। और अब ये यहाँ से जब मैं पूरा बंद कर दूंगी तो मेरा ये टोटल फिनिश हो जाएगा। तो अब मैं इसको बंद करूंगी रॉन्ग साइड से, रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बिनते हुए हम इसको बंद कर देंगे। आप चाहे सीधा सीधा बंद कर सकती हैं, मैं इसको उल्टा उल्टा बंद करूंगी। हालांकि सीधा सीधा बिना है, आप चाहे तो सीधा सीधा कर सकती हैं, लेकिन जैसे हमने स्लीव में किया था सेम उसी तरह से अब इस तरह से
दो फंदा एक साथ लेते हुए इसको हम बंद कर देंगे, इस तरह से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए सारे फंदे बंद कर देते हैं तो हमारा बस ये स्वेटर तैयार है। ये देखिए इस तरीके से इसको हम पूरा बंद कर लेंगे। बहुत टाइट मैंने नहीं किया है, नॉर्मल जैसे हम बिनाई करते हैं इसी तरीके से इसको बंद करना है। उल्टी उल्टी बिनाई वाली जो ये है इसी तरीके से मैंने इसको बिनते हुए देखिए दो दो फंदे एक साथ बिनते हुए यहां पे अब हमारा फिनिश हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया। अब इसको हम कट कर देंगे, बहुत बड़ा नहीं कट करना है क्योंकि अब ये जो है हमारा इस तरह से यहां पे देखिए ये हो गया। और जो ये ऊन है मैंने जो ऊपर ऊन को फंसाया है देखिए, ये जो हमारा गार्टर स्टिच बना हुआ देखिए इस तरह से क्रोशिया इसमें से निकालते हुए हम सीधा ही फंसाएंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है क्योंकि इस तरह से हमारी इस बिनाई में ये ऊन छिप भी जाएगा और फंस भी जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ा दूर से ये ऐसे कर ले रही हूं ताकि अगर हम ऊन कट भी करें तो इसका कोई भी सिरा कहीं से निकलने ना पाए। तो ये ऐसे ये देखिए इस तरह से ऐसे काफी दूरी तक मैंने इसको क्रोशिया हुक को फंसा लिया ऐसे। और अब यहां से ये ऊन लेते हुए इजिली इसको ऐसे आप पकड़ लीजिए आराम से, देखिए ये निकलता चला आएगा इस तरह से ऐसे ये। और यहां पे ऊन हम ऐसे खींच देंगे, इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए चाहे तो थोड़ा दूर और आप फंसा लीजिए, नहीं तो इस तरह यहीं पे आप थोड़ा सा इसको ऐसे खींच के कट भी कर सकती हैं। ये देखिए हो गया। अब हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये ऊन देखिए अंदर की तरफ फंस गया, इसको ऐसे खींच दीजिए ऐसे, देखिए फिनिशिंग आ गई। कहीं से आपको अलग से अब इसमें कुछ नहीं करना है, बटन मनपसंद आप बस लगा लीजिए और ये स्वेटर हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये है, इसको हम बटन लगा लेते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने इसमें 6 बटन होल बनाए हैं और 6 ही बटन लगाया है इस तरीके से। और आपको चाहिए तो आप इसकी लंबाई और बढ़ा के नीचे का ये बॉर्डर और बढ़ा करके एक बटन और इसमें लगा सकती हैं। ये शर्ट की तरह है, शर्ट बोलिए टी शर्ट बोलिए इस तरीके से इसका ये लुक है। फुल स्लीव नहीं है, जैसा कि मैंने इसमें फुल स्लीव नहीं बनाया है, आप चाहें तो फुल स्लीव बना सकती हैं। सेम यही प्रोसीजर रहेगा। और ये देखिए ये 2 से 3 साल तक के बच्चे के हिसाब से मैंने बनाया है, लेकिन इस नाप को आराम से ये देखिए 4 से 5 साल तक का बच्चा भी पहन लेगा क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई काफी है। आप चाहें तो बस इसी पैटर्न को थोड़ा सा और लंबा कर सकती हैं अगर आपको लगता है, क्योंकि ये देखिए चौड़ाई मैं आपको नाप के अगर दिखा दूं, नाप के अगर मैं दिखाऊं तो ये काफी चौड़ा है। तो यहां से देखिए ये देखिए 12.5 इसकी 12.5 ये मान के चलिए कि ये इस तरह से देखिए तो 12.5 इसकी चौड़ाई है। लंबाई इसकी यहां नेक से हम अगर इसको लेते हैं ये देखिए ये लंबाई इसकी 15 इंच है। ये इसकी लंबाई देखिए ये 15 इंच इसकी लंबाई है। और गला जैसा कि हमने स्टार्ट किया 84 फंदे से, बीच में हमने 3 फंदे घटाए हैं डिजाइन को सेट करने के लिए
और ये जो हमारा ये चीज बन रहा था यहाँ पे, टोटल बढ़ने के बाद 281 फंदे हो चुके हैं। स्लीव में हमारे 61 फंदे हैं और बाकी जो फंदे थे वो टोटल 59 जो बच्चे, उसमें से एक फंदा मैंने यहाँ बॉर्डर में ये बॉर्डर दो सीधा दो उल्टा का है तो इसको एडजस्ट करने के लिए सिर्फ एक फंदा मैंने यहाँ पे घटा दिया है, बाकी इसमें मैंने कोई फंदा घटाया बढ़ाया नहीं है। तो ये इस तरीके से हमारा पैटर्न है। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न, ये डिजाइन जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये स्वेटर पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।